नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अंबाला के समीपवर्ती मराड़ा के गांव नहरा में सीएससी सेंटर और जनरल स्टोर की एक दुकान पर फोन रिचार्ज करवाने आया एक युवक बातों में उलझाकर रिचार्ज के पैसे ना देने के साथ साथ दुकानदार के 10,000 रुपए ले उड़ा। आपको बता दें कि नहरा निकुंज ऑनलाइन सर्विस के नाम से सीएससी सेंटर और जनरल स्टोर है। यह सीएससी सेंटर कुछ बैंकों के लिए रुपए जमा करने और भुगतान करने के लिए अधिकृत है। इसके मालिक पूरन सिंह ने बताया कि आज दोपहर करीब 2 बजे एक युवक मोबाइल रिचार्ज करवाने आया था। इस दौरान उसके काउंटर पर 10,000 रुपए कैश रखा हुआ था, जो कि उन्होंने अंदर घर में रखना था। युवक ने बड़ी चालाकी से कैश उठा लिया। ये युवक रिचार्ज करने के बाद फोन करते हुए बोला कि वह रिचार्ज के पैसे अभी दे रहा है। इतने में युवक बात करता हुआ दुकान से बाहर निकल आया और वहां से भाग गया। इसके बाद ये युवक पास ही स्थित गन्ने के खेतों में घुस गया। लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन गन्ने के खेत काफी दूर तक थे, तो काफी खोजने के बाद भी वह नहीं मिला। उसके फोन पर भी फोन किया गया, लेकिन एक बार उठाने के बाद उसने फोन नहीं उठाया। इस युवक की गतिविधियां सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं। पूरन सिंह ने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी है। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।